हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PYQ इन वन मिनट। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का CBSE 2023 में आया हुआ असर्शन और रीजन वाला बहुत अच्छा एक सवाल करने वाले हैं, जिसके अंदर असर्शन में गिवन है कि जो कॉपर सल्फेट का कलर सॉल्यूशन होता है, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जब उसके अंदर हम कुछ लेड के पीसेज ऐड कर देते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। ये हमारे को असर्शन में गिवन है। रीजन में गिवन है कि लेड इज मोर रिएक्टिव द कॉपर एंड हैंस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कि लेड जो होता है वो कॉपर के कंपेरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो सॉल्ट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसका रीजन ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर लेड और कॉपर की पोजीशन क्या होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लेड है वो कॉपर से ऊपर आ रहा है। हम बोल सकते हैं कि जो लेड है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि PB की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन से करवाई जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो लेड है ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर अलग हो जाएगा और लेड इसके साथ आ जाएगा, तो PbSO4 का कलरलेस सॉल्यूशन हमारे को मिलेगा। आई होप ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा सही रीजन को मतलब सही आंसर कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे असर्शन भी बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, और असर्शन रीजन अगर बिल्कुल सही है और यहाँ पे ये भी गिवन है कि जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको डिस्प्लेस करेगा तभी तो ये क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके के और 1 मिनट PYQs देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।